हाय फ्रेंड्स, जो आईपीएल ऑक्शन का हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली कंप्लीट हो गया है और टीम्स जो हैं फाइनलाइज्ड हो गई हैं। तो हम इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर इस ऑक्शन की पूरी डिटेल्स देखेंगे, कौन सा प्लेयर किस टीम में गया है, क्या चेंजेस हुए हैं पिछले आईपीएल से इसमें, और कौन से प्लेयर ने इतिहास रचा है सबसे हाईएस्ट परचेस होकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्ड प्लेयर्स की अगर लिस्ट देखें तो सोल्ड प्लेयर्स में सबसे पहले अगर हम देखें बैट्समैन की लिस्ट तो स्टीव स्मिथ जो पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे वो अब दिल्ली कैपिटल्स में नज़र आएंगे खेलते हुए, जिन्हें 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने। इसके अलावा एक सरप्राइजिंग जो पिक था वो चेतेश्वर पुजारा का है, जो काफ़ी टाइम से आईपीएल नहीं खेले हैं बट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब खेलते हुए नज़र आएंगे अगर उनको मौका दिया चेन्नई ने। बहरहाल खरीद लिया है, लेट्स सी वो खेलते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम बॉलर्स में देखें तो बॉलर्स की लिस्ट में जो एक सरप्राइजिंग पिक था वो ये जे रिचर्डसन का था, जिनको 14 करोड़ में पंजाब किंग्स ने एक्चुअली में खरीदा है। इसके अलावा ये रिले मेरेडिथ ये जो है 8 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इसको खरीदा है। तो दो बॉलर्स को इन्होंने काफ़ी हाई प्राइस में खरीदा है, जिनका सेल अगर हम बेस प्राइस भी देखें तो काफ़ी लो था बट इनको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट है बॉलर्स की। मुजीबुर रहमान फिर से पंजाब के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। हरभजन सिंह को कोलकाता ने खरीदा है फाइनली मुंबई से, अब वो कोलकाता में अब खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये बॉलर्स की लिस्ट हो गई। अगर हम विकेट कीपर्स में देखें तो एक जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, इनका मतलब अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ये केरला के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने खेला था। तो इनको जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने परचेज किया। ये विकेट कीपर बैट्समैन है, लेट्स सी ये कैसी परफॉर्मेंस करते हैं इस बार। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखें जो ये बिके हुए प्लेयर्स हैं सोल्ड प्लेयर्स हैं, उसमें मैक्सवेल जो हैं ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पिक था जिसको बैंगलोर ने परचेज किया है। ये चेन्नई और बैंगलोर में से काफ़ी मतलब रोमांच हो रहा था कि कौन खरीदेगा, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी चेन्नई इसको लेगी बट अनफॉर्चुनेटली चेन्नई के पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो मैक्सवेल को ले सकें, वो 13 करोड़ तक गए थे बट इससे ज़्यादा बैंगलोर गया। तो अल्टीमेटली बैंगलोर के पास आ गए मैक्सवेल, जिससे उनकी टीम काफ़ी स्ट्रांग हो गई है फाइनली। लेट्स सी अब क्या करते हैं। इसके अलावा शाकिब को फिर से नाइट राइडर्स ने ले लिया है। मोरिस ये हमारे आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं, इससे पहले युवराज सिंह थे जो 16 करोड़ में परचेज किए गए थे बट मोरिस ने इतिहास रच दिया है, 16 करोड़ 25 लाख में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जेमिसन 15 करोड़ में बेंगलोर ने खरीदा इनको। शाहरुख खान ये आपके तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु के लिए खेलते हैं और दिनेश कार्तिक की टीम में थे, अभी रिसेंटली शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी मतलब पावर हीटर है, तो इनको पंजाब ने परचेज करके काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया मेरे हिसाब से। तो ये सारे आप देख सकते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट है पूरी जो परचेज हुए हैं। केदार जाधव हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे इस बार और अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे जो हैं मुंबई इंडियंस के लिए अब की खेलते हुए नजर आएंगे। जो अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट है वो ये है, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स नहीं बिके, कुछ सरप्राइजिंग था जैसे एलेक्स हेल काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस था अभी बिग बैश में बट इनको किसी ने नहीं परचेज किया। जेसन रॉय भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे अभी बिग बैश में बट इनको भी किसी ने परचेज नहीं किया। एरन फिंच लास्ट ईयर बैंगलोर के लिए खेले थे, किसी ने परचेज नहीं किया। तो ये अनसोल्ड बैट्समैन की लिस्ट है आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बॉलर्स की लिस्ट देखें जो अनसोल्ड थी तो उसमें एक कॉटरेल जो लास्ट ईयर पंजाब के लिए खेले थे वो अब किसी टीम में नहीं खेलते नजर आएंगे। वरुण एरन नहीं खरीदे गए, ये पूरी बॉलर्स की लिस्ट है। मिचेल मैकलिंगन मुंबई के लिए खेले थे लास्ट ईयर, किसी ने परचेस नहीं किया इस बार। ठीक है, ये पूरी आप बॉलर्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर्स जो नहीं परचेस किए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, इसमें एलेक्स कैरी जो एक्सपेक्टेड था कोई ना कोई टीम इंटरेस्ट दिखाएगी बट किसी ने नहीं खरीदा। मैथ्यू वेड काफ़ी अच्छा इनका बीवीएल परफॉर्मेंस रहा था बट किसी ने परचेस नहीं किया। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की अगर हम लिस्ट देखें जो अनसोल्ड प्लेयर्स रहे हैं ऑलराउंडर में, वो हमारे एक सरप्राइजिंग था लबुशेन, इनको लग रहा था कोई ना कोई टीम इंटरेस्ट दिखाएगी बट किसी ने परचेस नहीं किया है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं ऑलराउंडर्स की इनको किसी ने खरीदा नहीं है। तो फाइनली ये आईपीएल का ऑक्शन कंप्लीट हो गया है और सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। जो सरप्राइजिंग था वो क्रिस मॉरिस थे, जो हाईएस्ट
परचेज किया गया इनको अमाउंट में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।